ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए और अगली क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? किसी बच्चे को अगर वॉइस वगैरह के बीच में प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। हाँ जी, क्या कहता है? एक विजय इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, अ प्रोडक्ट एक्स, ऑन 1 जनवरी 2012 देयर वाज 5,000 फिनिश गुड्स प्रोडक्ट। तो जनवरी में हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स है एंड स्टॉक ऑन जनवरी आपको दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का और रॉ मटेरियल का, तीनों के ओपनिंग स्टॉक मिल गए। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग आपका दिसंबर के लिए, तो सर मटेरियल दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन बीच में फ्रेट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस वगैरह, अब दे रखा है आपको स्टॉक लास्ट डेट का जो कि वर्क इन प्रोग्रेस का दे दिया और सेल्स यूनिट दे दिया इसने। देयर आर 15,000 यूनिट फिनिश स्टॉक एंड एंड में हमारे पास 15,000 यूनिट है, ये भी बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है सर, जो जो चीजें बोली है वो सारी चीजें बता देंगे। आ स्टेटमेंट कॉस्ट प्रॉफिट 2012 अज्यूम ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू वैल्यू एट द सेम कॉस्ट पर यूनिट एज पर फिनिश स्टॉक एट द एंड ऑफ द वैल्यू, ये लाइन समझ लेंगे। सबसे पहले वो हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या था सर? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या था सर? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये थोड़ा सा तो ऊपर जा ही सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, दो ही चीजें होती हैं, फैक्ट्री कॉस्ट है ना। अब देखते हैं सर, ग्रॉस फैक्ट्री के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के पास क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और लास्ट में सेल्स है, ठीक है। चलिए आ जाइए साहब, आ जाइए बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने है, तो जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा है वो, सबसे पहले ओपनिंग एफजी दे रखा है, तो ओपनिंग एफजी वाला पॉइंट यहां होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले, तो प्लस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का जो कीमत दे रखा है वो दे रखा है 5,000 यूनिट। मजे की बात देखो, रुपीज नहीं दिया, क्या दे दिया? 5,000 यूनिट, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है। ओके सर, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आता है? इन दोनों के बीच में, नेट फैक्ट्री नहीं, इन दोनों के बीच में। तो प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, क्या दे रखा है सर? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 57400, ठीक है। फिर दे रखा है रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे परचेज और प्लस ओपनिंग रॉ मटेरियल, कितने का है ओपनिंग रॉ मटेरियल? 116,200, 116,200, ठीक है। कहता है कि आपका 31 दिसंबर को डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, कितने का किया सर? 906900। इसके बाद कहता है डायरेक्ट लेबर सर, डायरेक्ट लेबर सर, लेबर कितने का दे रखा है सर? 326400 सर। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल यही आएगा, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, फ्रेट और रॉ मटेरियल कितने का है रॉ मटेरियल पे? 55700, ठीक है। ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री कॉस्ट का किसका पार्ट है सर? फैक्ट्री कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट,
क्या क्या है? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कितने का है? इनडायरेक्ट लेबर साहब 1,21,000। इसके बाद क्या दे रखा है? अदर फैक्ट्री ओवरहेड। तो अदर फैक्ट्री थोड़ा कंजेस्टेड है बट आप समझिएगा क्योंकि स्पेस कम है इसमें मेरे पास। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? क्योंकि मैं यहां तक पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूं तो यहां तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए कि मेरे को डाउट है, मुझे डाउट है तो मैं बता दूंगा। सर स्टैट्स में भी फोर्थ क्लास थी, स्टैट्स की क्लास आज अपलोड हो चुकी है रिकॉर्डेड। अभी क्लास एंड होगा तो डेफिनेटली आप सभी के जब कंटेंट दिखेगा तभी मैं क्लास एंड करूंगा, मैं हैंड टू हैंड में ही अपलोड करूंगा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बता रहे हैं आई डोंट नो। अभी तक जितना मैंने करा है बोर्ड पे वो बता दीजिए अभी तक किसी बच्चे को डाउट। फ्रेट मतलब होता है किराया, तो सामान को लाने का किराया है तो हमारा मटेरियल का पार्ट ही होगा। अलीशे का नो डाउट। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है सर? ओपनिंग स्टॉक ये डेट दे रखा है ना आपको, 1 जनवरी, 1 जनवरी को दे रखा है ये डेट। तो 1 जनवरी को जितनी भी चीजें हैं वो ओपनिंग स्टॉक है। ऐश्वर्या नहीं डाउट, कोमल नहीं डाउट, निशांत सर एक बार याद से दोबारा अभी करके देंगे पीडीएफ और क्लास का, तो अभी देखो हैंड टू हैंड क्लास के बाद आपके सामने साथ ही साथ करेंगे जब तक क्लास एंड नहीं करूंगा। सर इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा ना? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ है सर? मुझे तो नहीं दिख रहा इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी इनडायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा ना, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ कंजेस्टेड हो गया। एक काम करें मैं नोट बना देता हूँ, यहाँ नोट साफ सुथरा दिखेगा कम से कम, और लिख देता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि हम अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं थे, पहुंचते तो लिख देते हैं। चलो जब जाएंगे तो लिख लेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ लेबर, और सर लेबर 1,21,600, इसके बाद अदर फैक्ट्री कॉस्ट, अदर फैक्ट्री कॉस्ट 3,17। ठीक है मैं यहां से इस बात को हटा रहा हूं और यहां पे नोट का सहारा लेने जा रहा हूं, जैसे आएगा वो तो आगे लिख लेंगे वर्किंग नोट। ओके फिर मैं टोटल करके लिख लूंगा। मानसी अभी ले लेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल को, टेंशन लेने वाली बात नहीं, जैसे नंबर आएगा हम सीक्वेंस से चल रहे हैं अभी। किसी बच्चे को यहां तक डाउट क्लियर है? चलिए सर आगे आ जाते हैं, सर आगे आ जाइए, आगे आ जाते हैं सर। अब आगे स्टॉक रॉ मटेरियल 31/12, जब 31/12 बोल रहा है दैट मीन्स क्लोजिंग की बात कर रहा है। अब रॉ मटेरियल क्लोजिंग है 96,400, तो माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल 96,400, इसको नेट करके ही मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखा दूंगा यहाँ सीधा, ठीक है ना? स्पेस कम है बाहर दिखा देंगे, ठीक है? इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग 78,200, तो यहाँ माइनस कर देते हैं क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 78,200, माइनस का सिंबल डाल दिया। इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, सेल्स यूनिट दे दिया 50,000, सॉरी 1.5 लाख, सेल्स हमने 1.5 लाख यूनिट कर दिए। इनडायरेक्ट मटेरियल यहां आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कितने का मटेरियल है? 2,13,900, 2,13,900, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ठीक है फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड लिख ही देते हैं 1,21,600, 3,17,300, 2,13,900, ये आ गया 6,52,800, चलिए 6,52,000, ये तो ये हो गया, ठीक है। अब नीचे कहता है हमारे पास जो हमारा सेल्स यूनिट है दैट इज 1.5 लाख, 1.5 लाख यूनिट हमने बेचे हैं, ठीक है ना? और क्या कहता है सर आगे?
आगे कहता है हमने 15,000 यूनिट फिनिश्ड ऑन हैंड दिसंबर, और जो क्लोजिंग स्टॉक है एफजी का दैट इज 15,000 यूनिट, और जो ओपनिंग स्टॉक था एफजी का दैट इज कितने थे 5,000 यूनिट। अमाउंट किसी का नहीं बताया है, सबका यूनिट यूनिट है। आगे कहता है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, कहता है अज्यूम दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स इज द बी वैल्यूड एट द सेम कॉस्ट पर यूनिट फिनिश स्टॉक एट द एंड। बोलता है जितना एक यूनिट का कॉस्ट क्लोजिंग का आएगा वैल्यू वही ओपनिंग का लेना है। और सर क्लोजिंग का किस हिसाब पे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है सर प्रोडक्शन यूनिट के बेस पे। तो सबसे पहले हमें यहां से यहां तक नेट फैक्ट्री कॉस्ट पता करना होगा। और ये तो एडमिन है क्या यहाँ क्वेश्चन में हमारे, सर एडमिन है क्या, नहीं है, जीरो है, तो ये ले लेते हैं। पहले यहाँ तक हम पहुंचे, टोटल करते हैं 9,69,000 55,700 326,400 6,528,00। तो ये आ गया हमारा, पहले तो ये वाला मैंने आगे बढ़ गया हूँ 9,06,326,000। तीन ठीक है प्लस ये आ गया 19,41,800 प्लस ये आ गया सर 1,19,2100 ठीक है। अब हमें ये पता चल गया ठीक है ना। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि हमारा जो सेल्स यूनिट होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक का एफजी वाला प्लस प्रोडक्शन माइनस, तो सर सेल्स तो पता है 1,50,000, ओपनिंग भी पता है 5,000, प्रोडक्शन नहीं पता, क्लोजिंग पता था, क्लोजिंग कितना था हमारा, क्लोजिंग 15,000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस प्लस हो के माइनस 10, तो 1,40,000 हमारा क्या हो गया, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना था, यानी सर प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आया वो आया 19,21,000। अब कौन बच्चा बताएगा 19,21,000 रुपए लग गए हमें किसी माल को तैयार करने में और कितने यूनिट बनाने में, 1,40,000 यूनिट में, तो पर यूनिट कॉस्ट कौन बताएगा, पर यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कितनी कीमत आई, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में बताइए एक यूनिट की कितनी आई। सर आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल तो, अरे हाँ बच्चे ने कहा कि सर आपने क्लोजिंग और ओपनिंग रॉ मटेरियल तो अंदर ही रह गया आपका, ओके एक मिनट वेट वेट वेट, माइनस 96 भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, 19,800 90,69,00 19,83,26 ये तो ठीक है। उन्नीस 61,000 19,40,000 तो 1,94 19,40,800
ये बता देते हैं, 19,40,800 ये है। अब बताइए वीडियो ब्लर है, कितने बच्चों को लग रहा है वीडियो ब्लर है? देख लेते हैं, ब्लर होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ब्लर भाई। गुनगुन आज आपका कौन सा यूनिवर्सिटी का पेपर था? आज एग्जाम था 13.86 13.76। अब नहीं है, यस सर ब्लर, यस सर ब्लर, यस सर ब्लर। अब सही है, अब ठीक है, टाइम हो गया, अब ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी, ओके। एक बार आप क्वेश्चन पेपर भेजना मुझे ना, ताकि मैं बच्चों से डिस्कस भी करूंगा। कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए। मेरे पास तो एकदम क्लियर कट आ रहा है, मेरे पास क्लियर आ रहा है एकदम, रिफ्रेश कर दिया है। आप मुझे यहां बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। 13 पॉइंट कैसे आया भाई साहब? आ जाइए भाई साहब, यानी कहना चाहते हो सर इसकी कॉस्ट है 13 पॉइंट, तो मुझे इसका नहीं पता चल जाएगा, सेम इसका भी पता चल जाएगा। बताइए, कुछ बच्चे 13 बता रहे हैं, 13.86 ठीक है, 13.86 मैक्सिमम बच्चों ने 69,300। दूसरे नीचे का 15,000 है, यस। तो ये 69, ये 20,7900। देख लो भाई कैलकुलेटर पे देख रहे हो, और 9 है क्या है कैलकुलेटर पे पूछ रहे हो। बिल्कुल सही, अब ये आ गया हमारा सेम 194,0800 इसका। ये आ गया 180,2200 ठीक है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो है नहीं हमारे पास पूरे क्वेश्चन में, तो क्या सेलिंग एक्सपेंस है? सर सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यही आ गया। और सर सेल्स दे रखा है आपको कितने का? 30 लाख का। सेल्स कितने का है? 30 लाख का, तो माइनस कर दो इसमें से 30 लाख, माइनस कर दो 30 लाख। सर प्रॉफिट आ गया 1,197,800। जी ये आ गया इस क्वेश्चन का प्रॉफिट, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ये अभी जो इस पे क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर को डिटरमाइन मत करिएगा, दोनों की बुक आ चुकी है, प्रोग्राम वालों के भी और ऑनर्स वालों के भी। बिल्कुल, चलिए आगे देखें, आगे मतलब चले जाए, चलिए सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन भी मुझे कराना है, ये होमवर्क में दिया जाएगा, ये होमवर्क में देंगे, एक क्वेश्चन पहले कराते हैं। किसका नहीं, क्यों नोट्स अब कल से मिलना चालू होगा? चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टाइप का।
शुरू से करते हैं, मजा नहीं आएगा ऐसे। आपके सामने एक है क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर विजुअल है, आप बता दीजिए क्वेश्चन प्रॉपर विजुअल, थोड़ा नीचे कर दें, अब प्रॉपर विजुअल होगा, समझ में नहीं इसमें डाउन क्यों दिख रहा है, सेटिंग आउट हुआ, बताइए प्रॉपर क्वेश्चन शो हो रहा है आपको, सभी बच्चों को क्वेश्चन शो हो रहा है तो स्टार्ट करें, नहीं सर, यस सर, क्वालिटी सही नहीं है, अरे मेरे पास तो बिल्कुल सही क्वालिटी, अरे कितने बच्चों को बताओ क्लियरिटी में दिक्कत आ रही है, कितने बच्चों को, बफरिंग सर, वीडियो रुक रही है, बच्चे कह रहे हैं सर पिछले क्वेश्चन में आपने गड़बड़ कर दिया, पिछले क्वेश्चन में जो है, अरे इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, आपने यहां ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये माइनस का 15,000 रह जाएगा ना, तो ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो आएगा ना, ये देखो मैं करेक्ट करने जा रहा हूं इसको, ये तो ठीक ही था, आपको जो बोलता हूँ ऑफलाइन वाले बच्चे वो मान के कर लेते हैं, बताओ कितना आ रहा है, ट्वेल्व पॉइंट, इसको सही कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, बस यही चेंज होगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो 5,000 से, 12.13, 60,000, 12.13, 60,650, 15,000 से, 250, 950, अब बता दो, डिफरेंस ले लो, बस माइनस 30,000 कर दो, वही 30 लाख, 30 लाख, डबल वन, ठीक है, चलिए इस आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा।